लेकिन अब तब इंडिया में बात नहीं कर अभी का I would really like this. Same expression. Yeah. Again? Yes. Yeah, like you here? Yeah. What? You? Whoa! Actually, yes, yeah. So, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन लाइक गाना मैंने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है तो अखिया तो आप लोग बताएं कि आप लोग आप में या आपकी टीम में से शूटिंग हो रही थी किसे मानते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत आंखें किसकी है हाँ सबसे थैंक यू सो मच नहीं पर ऐसे खूबसूरत आंखें किसकी ये कुछ सवाल होते हैं हमारा गाना रिलीज हुआ है आप क्या सवाल पूछ रहे हो मतलब आपको ये पूछना चाहिए कि जो अखियां जब गाना बना तो किसकी अखियों को सोच के बना वो भी पूछेंगे वैसा ही क्वेश्चन होना चाहिए और हमारे में तो हाँ 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 समुक्ति जी बताइए इशारा आपकी तरफ रहा है इशारा I would like to thank my parents and and my makeup artist and my eye artist ओके हो गए सारे मजाक हो गए बट अखिया ना अखिया इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग टुगेदर एंड इज़ द फर्स्ट ट्रैक आई थिंक जो दो दिन में इतनी जल्दी यू नो पीपल आर रिकग्नाइजिंग पीपल आर डांसिंग ऑन उनको डांस करने में मज़ा आ रहा है उनको क्लब्स में सुन रहे हैं दे ऑल आर टैगिंग अस इन ऑल द स्टोरीज एंड वी आर फीलिंग रियली हैप्पी एंड सेलिब्रेशन के लिए आप लोग हैं साथ में एंड ऑडियंस है साथ में सो वी आर फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एंड पहले तो ये गाने की क्या इंस्पिरेशन रही है आपको इनसे पूछना चाहिए राइट गोल्डी जी बताइए गोल्डी जी आप बताइए मैडम आपसे जानना चाहती हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस कहाँ से लाए आप ये किसकी अखियाँ देखी थी आपने देखी तो होंगी किसी किसी की इसलिए बनाएगा ना बट किसकी दिखी थी याद नहीं इतनी सारी देख ली याद ही नहीं आ रही कौन सी अखियाँ देखी ये बात नहीं, क्या? नहीं, नहीं, नहीं बातों में वैसा मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं आप है जो जज्बात पकड़ते हैं बट बड़ा मजा आया गाना बनाने में और तो ये रैंडमली थॉट आया था कि अखियाँ अखियाँ मिला तुझे गई दिल वाली गल जता तुझे गई तो ऐसे फिर हमने गाना बना लिया बस मस्ती मस्ती में एंड ये मेरा पहला डांस नंबर है आई होप आई विश कि ये बहुत ही हिट होने वाला है 3.7 मिलियन हो गए हैं और 24 घंटे में बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है थैंक यू शिविन जी आप बताइए वैसे आपकी भी आँखें बहुत खूबसूरत हैं मेरी आंखें खूबसूरत तो हैं और इस गाना ये गाने करने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी इसके बारे में एक स्टोरी हम बताएंगे आपको बट ऑब्वियसली हमारा ट्रैक बहुत अच्छा है जैसे आपने कहा कि 24 घंटे में 3.7 मिलियन हो चुके हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड नंबर से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो लोग प्यार दे रहे हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है आई डोंट गो विद नंबर्स एवरी टाइम नंबर आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि हाँ लोग देख रहे हैं बट उसके बाद जो प्यार मिलता है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो फॉर मी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और चाहे वो मुक्ति हो चाहे गोल्डी भाई हो चाहे मैं हूँ बहुत सारे लोग आजकल लाइक फ्रॉम सोशल मीडिया पता लगता है कि लोग जेन्युइनली रील्स बना रहे हैं इस पे इंजॉय कर रहे हैं इस गाने को क्लब्स में बजा रहे हैं सो आई गेस उससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता कि लोग जेन्युइनली इस गाने को हमारा प्यार दें और हमने बहुत फ़न किया ऑनेस्टली इस गाने के लिए हाँ हमने बहुत फ़न किया इस गाने में मेरे लिए भी एक मैंने कुछ गाने किए हैं बट ये एक फर्स्ट डांस नंबर था और मुक्ति के साथ था तो एक और एक एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं सबकी कि ओके मुक्ति इज कमिंग अप विद अ डांस नंबर एंड ओके शिविन एंड मुक्ति आर कमिंग अप नाउ तो शिविन अब क्या करने वाला है क्योंकि मुक्ति का तो सबको ही पता है बहुत अच्छा करती है
सो फॉर मी इट वॉज अ चैलेंज एंड ऑब्वियसली फॉर गोल्डी भाई ऑल्सो. हम दोनों साथ में मिले थे और हमने साथ में प्रैक्टिस किया बहुत, बट बहुत अच्छा लगा. कुछ लगा ही नहीं ऐसा. तो हमारी सारी प्रैक्टिस मुक्ति मंच में थी और जहाँ पे शी यस हाँ जहाँ पे शी प्रमोट ऑल द यंग टैलेंट के बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मतलब जिसको भी डांस इंडस्ट्री में जिसको भी इंटरेस्ट है या जो भी कुछ आगे बनना चाहता है इसको अपने करियर बनाना चाहता है पीपल कम दे लर्न एंड दे मुझे भी इनविटेशन है वैसे आके एंड यस एक्टिंग आल्सो. So it's an amazing place. तो वहाँ पे शिवन यू प्रमोटिंग मुक्ति मंच जो है मैं चेक चेक भेज मैं एक बार भेजूं इनवॉइस भेजूंगा इसके बाद प्रमोट करने के लिए. तो बहुत मजा आया एक्चुअली. एक ऐसी पॉजिटिव जगह से हमने स्टार्ट किया टू लर्न एंड हमारी टीम बहुत अच्छी रही. सोनी म्यूजिक ने बहुत साथ दिया एंड बस ये कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ अच्छी एनर्जी मिले तो अच्छी चीज बन जाती है एंड आई गेस दैट्स व्हाट ऑल हैपेंड. लगा ही नहीं शूट कर रहा दो दिन. थैंक यू सो मच. अगला मेरा ये मेरा सवाल भी था लोकेशन हमने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल है आप लोगों ने बहुत ही फन किया जैसा कि आप लोगों ने हमने जैसे ये तीन जगह शूट किया हमने ये गोवा में मालदीव्स में मॉरिशस तो तीनों जगह अपने आप में ही हाँ तो तीनों जगह अपने आप में ही बहुत अमेजिंग थी. एंड क्या हुआ मालदीव नहीं गए आप वो जेन्युइनली ले रहे अरे मालदीव तो गए थे ना. अच्छा तुम नहीं गई थी क्या. मैं और गोल्डी भाई गए थे मालदीव्स हमने थोड़ा सा प्रमोशन शूट किया बट दैट वाज फन. तो बहुत मजा आया एंड इतना बड़ा गाना आई गेस इट्स वन ऑफ द देख रहे हो ना आप उसको मतलब इफ यू वर टॉकिंग अबाउट डांसिंग से रिलेटेड ना यहाँ एक्टिंग हो रही है जेन्युइनली एक्टिंग कर रहे हैं हमारे गोवा में फर्स्ट शूट हुआ है. ठीक है यार मत बोलो ऐसे यार क्यों यार नेक्स्ट इंटरनेशनल लोकेशन बता रहे हैं सबको. आई लाइक इट. आप मैनिफेस्ट करिए कि नेक्स्ट सॉन्ग जेन्युइनली हम अकिया पार्ट 2 हम मालदीव्स में शूट अकिया पार्ट 2 हां कहां है सोनी वाले कहां है. नहीं बट दिस सॉन्ग एंड इवन लेबल एंड सिंगर्स यहां पे आई थिंक इस गाने का इंटेंट मुझे हमेशा से अच्छा लगा एंड ऑल्सो द इंडियन हुक जो इसमें बीहू हुक है काफी पसंद किया जा रहा है. एंड मोर देन देम मेंशनिंग इंट्रोडक्शन में भी कहीं नहीं लिखा है कुछ भी ये नीचे कमेंट्स में पढ़ा है मैंने तो मुझे रियलाइज हुआ है ये तो बीहू हुक है. एंड देन आई रियलाइज कि हाँ इन्होंने मुझे बताया था बहुत पहले हम दोनों को. तो फिर उस टाइम मतलब इवन इफ यू सी ईस्ट वेस्ट का मिक्स है एट द सेम टाइम सबको मजे कराने हैं इस सॉन्ग के थ्रू एंड वी वांट एवरीवन टू डांस हैव फन सो दैट इंटेंट दिस समर इज वेरी क्लियर कि अखिया ने अखिया इज गॉट ऑफ सेट यू टू पार्टी. यस आप बताइए कि जैसा कि मैंने मैंने देखा कि रील्स बनने चालू हो गए जैसे कि बात. हां जी जी क्या फील करते हैं आप लोग. नहीं अच्छा लगता है और जब जब ऑडियंस एक गाने को प्यार करती है जितना आप प्यार करते हो तो आई थिंक वही सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि अच्छा लगता है कि अरे गाना लोगों को भी पसंद आ रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है. अच्छा लग रहा है लोग रील बना रहे हैं अटैक कर रहे हैं और ये मिल रही सॉरी सर नहीं मैं बोल रहा ये जो आजकल जैसे रील्स बनाते हैं लोग तो इट्स लाइक एन एफर्ट. कोई अगर स्पेशल आपके लिए कोई टाइम डाल रहा है उस गाने पे बना रहा है हजारों लाखों गाने अगर आपके गाने पे कोई बना रहा है और दे आर लाइक नॉट प्रमोटिंग यू इन अ सेंस मतलब लाइक आपको मतलब एक स्पेशल फील करा रहे हैं सो उससे अच्छी कोई फीलिंग हो नहीं सकती. और आई गेस ये एज एन आर्टिस्ट सबसे अच्छा लगता है आपको अपना अपनी अपनी कोई भी चीज़ को जो आपने मेहनत करके बनाई उसको लोग अप्रिशिएट करें. सो वी आर जस्ट लविंग इट. नीति री वॉज परफॉर्मिंग एट IPL सो शी डिडंट गेट द चांस. शी वॉज टेक्सटिंग मी ऑल्सो शी लाइक अरे मैंने इतना सुन लिया ये गाना दैट आई वॉन्ट टू आई ऑल्सो हर्ड इट रेडियो पे भी गाने चल रहे हैं तो लाइक अखिया ना अखिया मैंने रेडियो पे भी सुना. रेडियो पे भी स्टार्ट हुआ. हाँ तो चेन्नई में एक्चुअली लाइव हो रहा था तो शी वॉज परफॉर्मिंग देयर विद मिस्टर ए आर रहमान तो उसके साथ शी वॉज लाइक आई एम गोना फिनिश माई शो एंड देन वॉच द यू नो वीडियो प्रॉपरली. तो आज ही उन्होंने शेयर किया है सुबह सुबह तो आई एम वेरी ग्लैड सब ने देख लिया है. अभी धीरे धीरे वो जहन में आ जाएगा तो डांस भी अपने आप निकल जाएगा. एंड आप सभी से जानना चाहेंगे अभी ये जो टाइम चल रहा है हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो लाइक अभी एक म्यूजिक वीडियो अभी हिट
होता है जी. तो लाइक इतनी पॉपुलैरिटी मिलती जितनी एक फिल्म में हिट होती है जी. आपका मैंने वुमेंस डे पे गाना देखा था हाँ, नारी वो लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था. या हम देखते कोई भी गाना अगर मिल जाए तो उतनी पॉपुलैरिटी मिलती जितनी कि एक बड़ी बिग बजट एंड बिग फिल्मों को इतनी पॉपुलर. ये जो टाइम चेंज हो ये कैसे देखते हैं आप लोग इस बात से ये सवाल देखेंगे. सॉरी मुक्ति आई गेस ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं करूँगा. आई गेस कोई भी चीज़ जो हिट या सक्सेस होती है उसकी पॉपुलैरिटी, क्योंकि पहले सिर्फ मूवीज़ होती थी या टेलीविजन कुछ होता था तो उसकी वजह से ही पॉपुलैरिटी मिलती थी. आजकल इतने बड़े डिविजन्स खुल गए हैं. आजकल कई लोग हैं जिनसे इनको कहीं पे भी नहीं देखा हमने, खाली आपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे देखा है. वो लोग कितने फेमस हो चुके हैं, आपको कोई भी जाते हैं उनको पहचान लेते हैं. तो आई गेस पॉपुलैरिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू फिल्म्स एंड टीवी नाउ. चाहे वो डिजिटल हो, चाहे आपका, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप डांसर हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कोई भी, चाहे आप थिएटर करते हैं, अगर आप एग्जिस्ट करते हैं और आप अच्छे हैं काम में तो आपकी पॉपुलैरिटी और आप सामने आएंगे आएंगे दुनिया में थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड. तो आई गेस कोई भी चीज़ आपकी हिट होनी चाहिए या सक्सेस होनी चाहिए, लोगों का प्यार होना चाहिए उस पर. आपके पास मंच भी है. आई थिंक इन्होंने एडमिशन पे है आपके मंच पे है, काफी जानकारी आपके मंच की. ये देखकर आया वहां पे नारी का इंटरव्यू हुआ था. ओ यस यस, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर. तभी इनको पता है. हां ये पूछ रहे थे कि ये आपका है. अच्छा नहीं, बट आई फील वेरी ब्लेस्ड यार. लाइक इफ आई गेट टू डू दैट, मुझे बॉम्बे में ना फ्रैंकली आई डिडंट वांट टू मेक अ हाउस और एनीथिंग बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि वो सब गाड़ी घर ये सब उससे स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में. अनलेस यू डोंट गिव बैक आपका आर्ट ग्रो नहीं करता है. तो आई थॉट दैट यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ लाइक आई कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन हैव फन. तो मोर देन एनीथिंग एल्स वी नीड टू डू मोर ट्रायल एंड एरर. जितनी बार जैसे आप स्टूडियो पे भी गा गा के या फिर यू ऑल्सो रिहर्स योर लाइंस राइट, तो एक वैसी स्पेस जहाँ पे लोग मजे कर सके. सो दैट आई कुड मेक इट एंड रियली फीलिंग ब्लेस्ड. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा था अबाउट जितना सक्सेसफुल आई थिंक जो एक मूवी हो जाती है और उतनी एक मतलब गाने की भी रीच है, गाने को भी इतना सराहा जाता है उससे. आई डोंट थिंक ये किसी मीडियम में लॉक्ड है. दिस इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मीडियम. दिस होल थिंग इज़ एक सोच होती है, एक इंटेंट होती है. वो अगर साफ होती है तो फिर वो आई थिंक लोगों को साफ दिखती है. और आजकल लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप मैनिपुलेट कर दो और कुछ और ऐसे हिट फॉर्मूला किसी का नहीं है. फॉर्मूला भी नहीं चलता, कुछ फॉर्मूला भी नहीं चल रहा. 100 crore क्लब नहीं चल रहे. एनी काइंड ऑफ क्लब पीपल कैन सी, दे कैन गेज इन, और उनकी इंटेंट अलग होती है. और कोई अगर ट्रू आर्ट होता है या फिर एंटरटेनमेंट होता है या किसी भी चीज़ से अगर क्या आप दिखाना चाहते हो बहुत साफ दिख जाता है लोगों को. तो आई थिंक वो गाना हो या मूवी हो या सीरीज़ हो या OTT पे कोई एक फिल्म भी हो, तो वो एक लोगों को समझ में आ गया कि अभी नाउ दैट इज़ द रियलिटी और उस पर कनेक्ट इंस्टेंटली हो जाता है. आई थिंक दैट्स हाउ यू सी इन 24 hours यू सी लाइक 3.7 million जो हो रहा है जी. अच्छा हो जाएगा. पता नहीं धमाके का तो पता कोशिश कर रहे हैं. कर रहे हो भाई? और अभी लाइन अप है एक दो गाने, बट अभी प्लान नहीं है कौन सा पहले आने वाला है क्या कौन सा बाद में. बट अभी आई थिंक 3-4 गाने और हम कर रहे हैं. नहीं म्यूजिक वीडियो है, म्यूजिक वीडियो इंडिपेंडेंट. चलो बढ़िया, थैंक यू. हमें भी ये लॉक करवा रहे हैं. कोशिश तो यही है, कोशिश यही है. बोला था मैं लॉक करा. ये बात है. तो आप बताइए, आपकी तो मैंने थार देखी, लोगों को बहुत पसंद आई है. तो थैंक यू. क्या कुछ नेक्स्ट करने वाली हैं आप? नेक्स्ट अभी आने वाला है, उस पर हम अलग बार मिलेंगे. तो आप अब दूसरे इंटरव्यू भी तो करेंगे ना? आज तो अखियां ना अखियां की बात होगी बस, क्योंकि यहाँ आई थिंक अब पता है बैठ के जब बात करते हैं ना तो लगता है आप बहुत ही ऐसे कुछ हैवी ज्ञान वाली बात कर रहे हो. ये गाना हाँ, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई एम मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. बिकॉज अभी क्या है, थार भी आई है, एट द सेम टाइम गाना भी आ रहा है, तो पीपल आर एबल टू सी अ कैरेक्टर वर्क. एट द सेम टाइम एक डांस नंबर भी हो सकता है. इट्स गोइंग टू बी फन एज वेल.
सो वर्सेटैलिटी दिख रही है एंड एक अच्छी टाइमिंग हो गई है उसकी, तो ग्रेटफुल अगेन. चलिए गोल्डी जी कुछ गुनगुनाने वाले हैं, आप लिप सिंग भी कर सकते हैं. ओके कुछ भी कर सकते हैं. ओके लिप सिंग थोड़ा, थोड़ा लिरिक्स में हाथ तंग है मेरा. लिप सिंग करना हां लगना चाहिए ऐसे. हां ऐसे लगना चाहिए. हम दोनों गा रहे हैं 1 2 3 गोल्डी बाजी. अखियां ना अखियां मिला तुझो गईया, दिल वाली गल जता तुझो गईया. हो तो कुड़ी बड़ी देसी मुझे हॉट लगती है, बातों बातों में जब दिल मांगती है. ओ आई मुक्ति की लाइन. सारी रात जगना या प्यार तेनु करना या सांभ के रखना या मेरे को. जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके YouTube पे सोनी चैनल पे सोनी म्यूजिक इंडिया पे अखियां देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें डोनेशन भी दे दें तो भी बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.